हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट प्राइमरी परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा फोर्थ वीडियो है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें एवं उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है आपका मैथेन व ओजोन, ऑक्सीजन व नाइट्रस ऑक्साइड, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यानी रेन एसिड इज मेनली फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टू गैसेस। तो इसमें आपका ये पूछा गया है कि जो अम्ल वर्षा होती है उस अम्ल वर्षा जो मुख्य रूप से उसमें कौन सी गैस भागीदार होती हैं। तो जो आपकी अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा आपकी ऑक्सीजन और जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके वह क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वह आपकी पुनः पृथ्वी पर गिरती है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर टू है, पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा अधिक मात्रा दर्शाती है। सो हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोफिन इन वाटर, यानी पानी में जो क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा होती है वह किस बात को दर्शाती है। पहला है ऑप्शन आपके सामने मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, दूसरा फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग और लास्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पानी में क्लोरोफॉर्म की जो अधिक मात्रा होती है वो किस चीज को दर्शाती है। तो इसमें आपके ऑप्शन है पॉल्यूशन कॉज्ड बाय मैन मेड वेस्ट, फॉस्फोरस बॉर्न पॉल्यूशन एंड डिक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक ऑक्सीजन और लास्ट इज हाइड्रोकार्बन पॉल्यूशन। तो आपके जो पानी में अधिक मात्रा में जो क्लोरोफॉर्म होती है वह आपकी मानव निर्मित जो कचरा होता है उसके द्वारा जो प्रदूषण होता है इस चीज को दर्शाती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेब संतरा अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न क्यों होता है। यानी सेब संतरा अनार और केले के खाने के बाद पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न क्यों है। यानी हम सेब खाएं, संतरा खाएं और अनार और केला, लेकिन इन चारों पांचों में या तीनों चारों में जो सबसे टेस्ट में जो स्वाद में अंतर आएगा वह संतरे के में आएगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है। आफ्टर ईटिंग एप्पल्स ऑरेंजेस पोमिग्रेनेट्स एंड बनाना द टेस्ट ऑफ ऑरेंजेस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। यानी इसमें विटामिन ई पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है या इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो किस कारण इसके स्वाद में भिन्नता होगी। तो जो संतरे में जो पाई जाने वाली विटामिन होती है वह सी होती है और यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए आपका जब हम इस सेब अनार और केले के बाद इसको खाएंगे तो यह एक अलग प्रकार का स्वाद देगा। और जो आपका संतरा होता है वह एंटीऑक्सीडेंट का भंडार होता है जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल सेल से बचाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें विटामिन सी पाया जाता है सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसकी उपस्थिति क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने गत वर्षों में पृथ्वी का
औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है, यानी पिछले वर्षों में जो गर्मी मतलब हमारे पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ा है उसके कारण वह बनी है, या लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O2 की आवश्यकता होती है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं या अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है या उनके प्रभाव को कम करती है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को कम करती है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जल निकायों का सीवेज से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। उच्च बीओडी, बी ऑप्शन है निम्न बीओडी, सी ऑप्शन है आपका उच्च डीओ और डी ऑप्शन है आपका प्रभावहीन बीओडी और डीओ। तो जो सीवेज जो होते हैं या गंदे नाले जो होते हैं अगर उनसे जो जल निकायें होती हैं वह अधिक मात्रा में पानी को ग्रहण करती हैं उस जगह से, तो जो उसका सबसे मुख्य कारण जो होता है वह होता है उसमें निम्न बीओडी, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी जो सीवेज नाले होते हैं वे जैविक तत्व के रूप में सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं और जब जो सीवेज जल निकायों में गिरता है तो बहुत सड़न पैदा करने वाले जो आपके इसमें जीवाणु और कवक होते हैं वो काफी संख्या में सीवेज के घटकों को कम करने में करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, निम्न बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें घास, बकरी, हिरण, खरगोश, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया और कवक तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण शामिल हैं, निम्न में से कौन सा घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है। पहला ऑप्शन है आपका कवक, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है आपका सी हिरण, फोर्थ ऑप्शन है आपका शेर। तो इसमें आपके सामने पूछा गया है कि आपके सामने घास, बकरी, हिरण, खरगोश, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया, कवक और जो हमारे आसपास का पर्यावरण है उसमें द्वितीय स्तर का उपभोक्ता कौन सा है। तो जो आपका शेर होता है वह आपका द्वितीय स्तर का उपभोक्ता होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन इस चीज को एक बार और समझ लेते हैं कि जो आपके मांसाहारी पशु जो दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं वे आपके जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और जैसे कि आपका मान लीजिए कि कोई जैसे एक बकरी है, बकरी शाकाहारी भोजन ग्रहण करेगी यानी वो प्राथमिक उपभोक्ता हुई, और उसके बाद जैसे बकरी को शेर खा गया तो वह आपका द्वितीय स्तर का उपभोक्ता होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। पहला ऑप्शन पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, दूसरा ऑप्शन पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, सी ऑप्शन पर्यावरण जैविक व अजैविक दो तत्वों का समूह है, या डी ऑप्शन है आपका इसमें से कोई नहीं। विच फैक्ट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एनवायरनमेंट इज ग्रुप ऑफ एबायोटिक एलिमेंट्स एंड एनवायरनमेंट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स, या लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीस। तो जो आपका पर्यावरण होता है उसके अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के तत्व उसमें शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बी ऑप्शन है आपके सामने, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। सी ऑप्शन है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। और डी ऑप्शन है आपके सामने, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। यानी आपने देखा होगा जो भैंस होती है या कोई भी जानवर, तो उसके ऊपर और स्पेशली जब नदियों वगैरह में होते हैं तो उसके ऊपर जो आपका बगुला आकर बैठ जाता है, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है, इसमें यह पूछा गया है। तो जो आपका बगुला होता है वह भैंस या अन्य जानवर की पीठ पर उस समय जो परजीवी कीट होते हैं उस पर रहने वाले जानवर के ऊपर रहने वाले उनका वह भक्षण करता है, यानी उन कीटों को वह खाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से किस प्रकार के घर अस्थाई आवास होते हैं? इसमें आपको बताना है कि कौन से घर जो होते हैं वो अस्थाई आवास होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस आर टेम्परेरी हाउस। पहला ऑप्शन है आपके सामने कैंप, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने लकड़ी के ढांचे पर बने घर, तीसरा ऑप्शन है कंक्रीट के बने घर, और फोर्थ ऑप्शन है पत्थरों, गारे और चूने से बने घर। तो इसमें आपको बताना है कि जो कौन इसमें चारों में ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अस्थाई आवास होते हैं। तो जो आपके कैंप वगैरह जो लगते हैं वो उसके आपके अस्थाई आवास होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यानी जो कैंप होता है वह एक प्रकार का अस्थाई आवास होता है। लकड़ी के फर्श या छत और पत्थर, गारे, चूने आदि से बनी दीवारों वाले मकान ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वे स्थाई आवास के रूप के लिए बनाते हैं। और एक चीज यहाँ पर, जो लद्दाख क्षेत्र है वहां पर आपके बांसों के बहुत ऊंचे ऊंचे घर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जब मिट्टी तथा पानी का घोल रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी डैश में इकट्ठा हो जाती है। यानी एक मिट्टी एक बाल्टी को लिया और उस बाल्टी में पानी और मिट्टी को घोल बनाकर उसको एक रात के लिए रख दिया, तो इस अवस्था में अंत में जब वह एक रात रखी रहेगी उसके बाद क्या परिस्थिति होगी? पहला ऑप्शन है उसमें आपकी तलहटी में आ जाएगी, ऊपरी भाग में चली जाएगी, बीच में आएगी, या इधर उधर अवस्था होगी उसकी। तो जो इसमें आपकी जो गंदगी होगी वह आपकी बाल्टी में, जो बाल्टी की तलहटी यानी कि उसके नीचे आकर बैठ जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, तलहटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे आसपास पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। यानी हमारे आसपास जो तालाब होते हैं उन तालाबों के आसपास उनके किनारों पर किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है उनकी जड़ें नहीं होती हैं, दूसरा ऑप्शन है उनका तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं, नेक्स्ट है इनके तने ठोस व पतले होते हैं। तो यानी आपके जो तालाबों के किनारे पर जो वृक्ष या पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें किस प्रकार की होती हैं, यानी संरचना उनकी किस प्रकार की होती है? तो आपके जो तालाबों में स्थित जो पौधों की संरचना होती है वह अन्य पौधों से भिन्न होती है, यह बात ध्यान रखने वाली बात है। और उनका तना लंबा खोखला और हल्का होता है। तालाबों के जो वातावरण होता है उसके अनुकूल रखने के लिए इस प्रकार के पौधों की संरचना होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि उनका तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, और लास्ट ऑप्शन है डी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? टू कैप्ट बिजी बाय द पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स शुड हैव नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, या सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स शुड बी एंटरटेन, और डी ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर
कॉन्टेमिनेशन। तो इसमें आपका जो हम पर्यावरण शिक्षा का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है या उसका अभिप्राय है, वह बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी हो जाए, यानी उसके बारे में वो भी नॉलेज रखते हों। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट। यानी जो पर्यावरण शिक्षा होती है वह ऐसी शिक्षा होती है जिसमें आपके बच्चों को पर्यावरणीय जो समस्या हैं उनको सुलझाने और उनको दूर करने की शिक्षा दी जाती है। इसका जो उद्देश्य होता है वह पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुरक्षा और सुधार के जो कार्य होते हैं उनके लिए बच्चों को प्रेरित करना, ये सभी आपके जो पर्यावरण शिक्षा होती है उसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना पहला ऑप्शन है। यानी जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें अगर आप अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं और उस समय आप अवधारणा को स्पष्ट करते समय कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग कर रहे हैं तो यह किस चीज को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों को संकेंद्रित करता है। नेक्स्ट है आपका पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और डी ऑप्शन है आपका बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो जो आपको पर्यावरण अध्ययन की जो एक मान लीजिए कोई एनवायरमेंटल स्टडीज अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय कविता और कहानी का प्रयोग कर रहा है तो उसका जो सीधा सीधा उद्देश्य है इसको करने का कि जो आपकी स्थानीय और विश्व स्तर की जो भी चीजें हैं उनको आपके साथ जोड़ने का वह प्रयास कर रहा है जिससे आपकी समझ में वो आसानी से आ सकें। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यानी कविताओं और कहानी कथन हमें पर्यावरण अध्ययन की जो आपकी कल्पना शक्ति होती है और विश्व प्रकृति की या स्थानीय जो मुद्दे या प्रकृति होती है उसको खोजने में मदद करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है। आपके सामने चार पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को देखकर आपको जो कोड दे रखा है उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पर्यावरण की विशेषताएं नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पहला जो पॉइंट दे रखा है इसमें वो है पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है। दूसरा है पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। और फोर्थ है आपका पर्यावरण गतिशील नहीं होता है। तो इसमें आप ऑप्शन को देखिए और आपको यह बताने कि निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है। तो जो आपकी इसमें एक विशेषता नहीं है वह कि जो पर्यावरण जो होता है वह गतिशील नहीं होता, जबकि यह विपरीत है क्योंकि जो पर्यावरण होता है वह हमारा गतिशील होता है। तो इसके हिसाब से अगर इसमें आप देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट को छोड़कर बाकी सब सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। यानी पर्यावरण में स्थानीय जो स्थानीय विविधता मिलती है और आपका पर्यावरण पार्थिव एकता भी पाई जाती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था। यानी जो शिक्षण में प्रयुक्त होने वाला एक अधिगम टूल जो है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है जीएस ब्रूनर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड सचमैन द्वारा, नेक्स्ट है आपका जीन प्याजे द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने डेविड ऑसुबेल द्वारा। तो आपके जो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जो था वो टीचिंग के लिए वह आपका डेविड ऑसुबेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो जीएस ब्रूनर हैं उनके द्वारा आपका जो दिया गया है वो प्रत्यक्ष शिक्षण प्रतिमान दिया गया है और जो आपके रिचर्ड सचमैन हैं उन्होंने परप्रच्छा शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। और इसके साथ साथ जीन प्याजे ने
जो विकासात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो जे एस प्रूनर हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षण प्रतिमान, जो रिचर्ड सस्मैन हैं उनके द्वारा परिप्रेक्ष्य शिक्षण प्रतिमान, और जीन पियाजे द्वारा विकासात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है, और डेविड आजुबाल द्वारा इसमें प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है। तो चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं उनके बारे में बता दिया कि किस व्यक्ति ने किस शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले जो आपका प्रतिमान है उसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कराती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विविधताओं को स्वीकार करती है, यह विद्यार्थियों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों का ज्ञान का आधार उनका निजी अनुभव होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो शिक्षण जो प्रोजेक्ट विधि होती है वह विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी यानी विद्यार्थी जो होते हैं जो जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसमें जो जो बच्चे का या विद्यार्थी का जो निजी अनुभव होता है उसका वह आधार लेकर चलती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, द स्टूडेंट्स नॉलेज बेस इज पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी जो शिक्षण जो आपकी शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि है वह विद्यार्थी के व्यवहारिक सबसे पहले तो वह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि इस विधि में जो विद्यार्थी का ज्ञान का आधार होता है वह उसका निजी अनुभव होता है, और यह व्यक्तिगत विविधताओं एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास नहीं करती। यानी आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी के ज्ञान का आधार ही उसका निजी अनुभव होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, बी ऑप्शन है पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, सी ऑप्शन है प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, डी ऑप्शन है आपका पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। यानी जो पर्यावरण में जो पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं होती हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य नहीं है, आपको यह बताना है। तो इसमें यह देखिए ऑप्शन बी सी डी को देखिए एक बार, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना पर्यावरण जो प्रतियोगिता है उनका एक उद्देश्य है, दूसरा है प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों को से परिचित करना यह भी एक उद्देश्य है, और डी ऑप्शन है आपका पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना यह भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो रह जाती है वह कि छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, यानी जो आपकी पर्यावरण की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसका यह तात्पर्य नहीं होता कि हम जिन छात्रों के लिए इस प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं उन छात्रों को हम विद्वान बना दें, सिर्फ उनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वह जो पर्यावरण संबंधी जो चीजें हैं उनसे उनको उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम संबंधी जो भी विचार हैं वो किस प्रकार से रोका जा सकता है उनसे उसको परिचित कराना, और पर्यावरण जो एक सब विषय के रूप में वे बच्चे विद्यार्थी उसको रुचि लेकर पढ़ सकें, यह आपके एक पर्यावरण प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि छात्रों का पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना एक पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है, यानी जो आपके स्कूल टूर होते हैं या शैक्षिक भ्रमण जो जाते हैं वह किस महत्व को स्पष्ट करता है। इसमें आपको बताना है कि छात्रों में संज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यता का विकास होता है, नेक्स्ट है आपका छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह में कार्य करने की सामाजिक गुणों का विकास होता है, सी ऑप्शन है सामाजिक वास्तविक अनुभव तथा प्रतिचीकरण द्वारा प्रत्यक्षों का बोध करते हैं, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। यानी जो शैक्षिक महत्व जो शैक्षिक भ्रमण होता है वह किस चीज के महत्व को स्पष्ट करता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है आपका कि जो पर्यावरणीय जो शैक्षिक भ्रमण होता है वह आपके ज्ञानात्मक भावात्मक योग्यताओं का विकास करता है, साथ ही साथ छात्रों में सहयोग की भावना सामाजिक गुण जैसे
और आपका जो रियल अनुभव यानी वास्तविक जो अनुभव होता है उसको अप्रत्यक्षीकरण द्वारा वो बच्चे जो सीखते हैं उसको वह बढ़ाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सभी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य या आपकी रूढ़िबद्ध धारणा। यानी जो वुमेन्स होती हैं यह कहा जाता है कि वो पुरुषों से कमजोर होती हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? यानी सुपरस्टिशन है, मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट है या ऑर्थोडॉक्स बिलीफ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि यह एक सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ यानी कि यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो लोगों द्वारा बना ली गई है कि जो वुमेन जो औरतें होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? यह आपका क्वेश्चन ज्योग्राफिकल लेवल का है जो मैप से संबंधित है और इसमें आपसे एक स्टेट को दूसरे स्टेट के सापेक्ष या एक स्टेट को दो स्टेटों के सापेक्ष आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो पूछा गया है कि जो बिहार जो भारत में बिहार के सापेक्ष यानी स्टेट बिहार और उसके सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो यानी जो बिहार है उसके सापेक्ष आपके जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति भारत के मैप में क्या है? क्या वे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में पड़ते हैं बिहार के, या पूर्व और पश्चिम में पड़ते हैं, या फिर आपके पश्चिम और पूर्व में पड़ते हैं, या उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में पड़ते हैं? तो मान लीजिए यह आपका भारत का मैप है, तो जम्मू कश्मीर आपका यहां होगा और किस इसका महाराष्ट्र के नीचे यहां पर आपका आपका गोवा होगा, इसके साथ साथ लगभग बिहार आपका यहां होगा। तो आपको इसमें बताना है कि जो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और जो गोवा है उसकी स्थिति क्या है? तो जो आपका जम्मू कश्मीर है वह बिहार के सापेक्ष आपका उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, यानी मान लीजिए ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो बिहार के सापेक्ष जो आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा वह उत्तर पश्चिम में पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आपका गोवा पड़ेगा वह दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यानी जो आपका बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और जो गोवा की स्थिति है वह उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। तो यह था आज के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।